नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप आवश्यकता से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार देशवासियों के समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए है प्रतिबद्ध। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत का डेढ़ गुना बढ़ोतरी को बताया ऐतिहासिक कदम। बाढ़ का पानी सड़क पर आ जाने से पूर्णिया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले के कई इलाकों में आवागमन प्रभावित। नवगठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेट, नीट और जेईई मेन जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं का करेगी संचालन। और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बिहटा में ईएसआईसी अस्पताल का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार देशवासियों के समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज राजस्थान के जयपुर में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद में श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश के सभी हिस्सों तक विकास पहुंचाने के लिए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि पिछले दो सालों के भीतर सरकारी प्रयासों से 5 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जा चुका है। भारत में बीते 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ गरीब के कुचक्र से बाहर निकल गए हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। साथियों, गरीबी से मुक्ति के मार्ग पर जो देश अग्रसर हुआ है उसका कारण है साफ नियत, सही विकास। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना देने का फैसला किया है। लागत का डेढ़ गुना मूल्य सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से लगातार संवाद कर ये भी सुनिश्चित कर रही है कि फसलों की खरीदारी के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं। बीज से लेकर बाजार तक की पूरी व्यवस्था पर काम कर रही है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन नदियों में उफान के कारण मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सुपौल, अररिया और सीतामढ़ी जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी, बोछा, औराई और कटरा प्रखंडों में बांध के अंदर बसे गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। पूर्णिया जिले के बायसी अनुमंडल क्षेत्र के बैसा, बायसी और अमौर प्रखंडों के कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। सुपौल जिले के बौराहा, सुकुमारपुर, सिसबाद, दुबियाही और किशनपुर गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सहरसा जिले के सोनवर्षा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोग ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे हैं। पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड में कनकई नदी का पानी कई गांव में प्रवेश कर गया है। जिले के शीशाबाड़ी में डायवर्सन पर लगभग 1 फीट पानी भर गया है। इसके चलते पूर्णिया से किशनगंज का सड़क संपर्क बाधित है। अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के पूर्वी हिस्सों में नूना नदी का पानी लगभग 5 दर्जन गांव में प्रवेश कर गया है। वहीं फारबिसगंज में परमान नदी का पानी कई गांव में घुस गया है। सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा में लखनदेई नदी की पुरानी धारा का बांध टूट गया है, जिसके चलते पानी मुचट्टी समेत अन्य गांव में फैलने लगा है। वहीं जिले के भिट्ठा मोड़ के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 104 के डुबरबन्ना डायवर्सन पर पानी आने से यदुपट्टी, भिट्ठा मोड़ और नेपाल का सड़क संपर्क टूट गया है। समस्तीपुर जिले में करेह नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बिथान प्रखंड के नरपा गांव में बाढ़ का पानी सड़क मार्ग पर चढ़ गया है। इसके कारण नरपा, सलहा, चंदन सड़क मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बाधित है। इधर केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं दरभंगा जिले के कमतौल और एकनी घाट पर अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर लाल निशान के आसपास बना हुआ है। कोसी नदी सुपौल के बसुआ और खगड़िया जिले के बलतारा में खतरे के निशान को पार कर गई है।
बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई स्थानों पर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर गंगा नदी के जलस्तर में भी बक्सर, पटना और भागलपुर में विभिन्न स्थानों पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में दर्ज की गयी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में कई कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया है। श्री गंगवार आज पटना के बिहटा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 100 बेड वाले अस्पताल के उद्घाटन के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के खुल जाने से 3 लाख बीमित सरकारी कर्मियों और उनके 12 लाख आश्रितों के साथ पटना जिले के सामान्य लोगों को भी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। श्री गंगवार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से अस्पताल को 200, 300 और 500 सैया वाले अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा। नवगठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट और जेईई मेन जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन करेगी। इन परीक्षाओं का संचालन फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। एनटीए, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट सीमैट तथा ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपेट का भी संचालन करेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी और 4 से 5 दिन के अंदर संपन्न करा ली जाएंगी। छात्रों को परीक्षा तिथि का चयन करने की छूट होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की नई प्रणाली ज्यादा सुरक्षित है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। इसमें प्रश्न पत्र लीक होने का कोई मुद्दा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्रों के प्रारूप, भाषा और परीक्षा शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किसानों को खरीफ फसलों पर लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। आज पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने किसानों से किया अपना वायदा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर अवैध तरीके से पटना सिटी स्थित 255 डिसमल जमीन केवल 20,000 रूपये सालाना किराए पर लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि श्री यादव को बताना चाहिए कि इतनी महंगी जमीन उन्हें किसने इतनी कम कीमत पर दी। श्री मोदी ने कहा कि इस जमीन पर यार्ड बनाकर तेजस्वी यादव वर्ष 2012 से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उत्तराखंड के रूड़की में पदस्थापित सेल्स टैक्स कमिश्नर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। उनके कार से 2 बोतल शराब भी बरामद की गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी द्वारा आयोजित प्रदेश बंद के दौरान आज कई स्थानों पर झड़प और तोड़फोड़ हुई। पटना में कई जगह प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को निशाना बनाया और उनके शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर आज उनके पैतृक गांव भोजपुर जिले के चंदवा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने बाबू जगजीवन राम की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के अखहा गुमटी के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के राहतपुर गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी मुरारी सिंह और कारू सिंह को गिरफ्तार किया है। वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के करणपुरा गांव के पास बिजली की तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सहरसा से पटना जाने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस से 25 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। मौके से 3 दलालों को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी मंडल कारा में बंद एक कैदी की आज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शेखपुरा जिले में प्लेस ऑफ सेफ्टी केंद्र से फरार 9 किशोर कैदियों में से 2 को पुलिस ने छपरा से पकड़ लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार देशवासियों के समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए है प्रतिबद्ध। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत का 1.5 गुना बढ़ोतरी को बताया ऐतिहासिक कदम।
बाढ़ का पानी सड़क पर आ जाने से पूर्णिया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले के कई इलाकों में आवागमन प्रभावित। नवगठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेट, नीट और जेईई मेन जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं का करेगी संचालन। और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बिहटा में ईएसआईसी अस्पताल का किया उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।